हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल है ना अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो ये नॉन स्पॉइलर रिव्यू होने वाला है, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखना। आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की एक सीरीज जिसका नाम है लॉक एंड की। अब इसका नाम लॉक एंड क्यू क्यू है मैं आपको आगे बताता हूँ। खैर, मेरे जो एक सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई आप मुझे इतना ही बता देना कि ये सीरीज देखने लायक है या नहीं है। तो मैं उनसे बोल दूं और आप सभी से बता दूं कि डेफिनेटली ये एक वॉचेबल सीरीज है। अब वो क्यों है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं। तो इस वीडियो को प्लीज यार स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक भी करें और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा लॉक एंड की, तो ये जो टाइटल है इसमें जो लॉक लिखा ये ताला नहीं है। लॉक मतलब यहाँ पर जो हमारी सीरीज के जो मेन कैरेक्टर्स है उनका सरनेम है। तो बेसिकली हमारी सीरीज के जो मेन कैरेक्टर उनका नाम है लॉक फैमिली। उनके पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस वजह से उनको अपना घर छोड़कर, सिएटल वाला घर छोड़कर, अब उनको अपने पुश्तैनी घर में जाके रहना पड़ता जिस घर का नाम है की हाउस। अब उस घर का नाम की हाउस इसीलिए है क्योंकि उस घर में कुछ ऐसी मैजिकल कीज छुपी हुई है जिसके पीछे वहां पे एक डायमंड या तो आप कह सकते हैं हिंदी में चुड़ैल पड़ी हुई है। तो क्या वो कीज उस चुड़ैल को मिल पाएगी, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो देखिए, मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ भी स्पॉयलर्स नहीं दूं क्योंकि सीरीज में काफी 40 मिनट से लेके 59 मिनट के 10 एपिसोड है और मैं नहीं चाहता कि आपका ये सीरीज देखने में जरा भी मजा खराब हो। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि इसके जो स्टार्टिंग के 2 एपिसोड है वो बहुत अच्छे हैं और लास्ट के 6, 7, 8, 9, 10 एकदम जबरदस्त है। बीच के जो 3 एपिसोड यानी कि 3rd, 4th और 5th थोड़े से मुझे अटपटे से लग रहे थे, मतलब मुझे मजा नहीं आ रही थी, मैं वहां पे बोर हो रहा था, जो बात है सच्ची मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये मैं सीरीज इस वजह से देख रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ तो पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है जो मैजिकल कीज का वो मुझे नया महसूस हो रहा था और जो जो वो कीज जो जो दरवाजे खोल रही थी वो काफी मजा आ रहा था देखने के लिए क्योंकि उसमें कुछ ऐसी कीज थी जो मैं खुद भी चाहता हूँ कि ये सब कीज मेरे पास भी हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जो एनीवेयर की थी उस की का फायदा ये कि आप अगर आपने किसी घर का फोटो देख लिया, मतलब कहीं भी जगह का आपने फोटो देख ली दरवाजे का, तो आप वो एनीवेयर की यूज करके आप वहां जा सकते हो। आप कैसे जा सकते हो आप वो सीरीज में देख लेना। उसके अलावा माइंड की मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर गोस्ट की अच्छी लगी, फिर म्यूजिक बॉक्स की अच्छी लगी। तो कुछ कीज थी जो मुझे पर्सनली सीरीज में जो बताई गई बहुत अच्छी लग रही थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों इसमें बताई गई जो कीज थी उसमें से कौन सी कीज आपको अच्छी लगी। खैर, इस सीरीज की और अच्छी बात बोलूं तो इस सीरीज को जिस तरह से लिखा गया बहुत ही अच्छा है और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले गए ना वो बहुत ही कमाल के। लेकिन हाँ, अगर आप गौर से इस सीरीज को देखोगे तो आप इजीली 10वें एपिसोड में प्रिडिक्ट कर लोगे जो भी ट्विस्ट है वो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, इतना बता दूं कि ट्विस्ट एंड टर्न्स 6 एपिसोड से शुरू हो जाते हैं और लगभग हर एक एपिसोड में आपको कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल जाएंगे। और ये एक डार्क फैंटेसी शो है तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए बनाया गया शो है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफी आप कह सकते हैं 18 से लेके 40-45 एजेस के बीच के लोगों के लिए बनाया गया शो है। लेकिन सीजन 2 डेफिनेटली और भी ज्यादा डार्क होने वाला, और भी कुछ ज्यादा रोचक वाली चीजें हमको सीजन 2 में देखने को मिलेगी। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब मैं इस सीरीज की 1-2 खामी बात बोल देता हूँ। जो उसकी खामियां ये लगी कि जो बच्चा है यानी कि बॉडी का कैरेक्टर कुछ मेकर्स लोगों ने इस तरह से लिखा कि जब भी उनको कुछ ऐसा दिखाना है कि बच्चों लोगों को बहुत अच्छा लगे तो बॉडी को लेके आ जाते हैं। इनके स्टार्ट के 2 एपिसोड में आपको ऐसा लगता है कि यार ये बच्चा मेन कैरेक्टर है, लेकिन आगे चल के आपको बच्चा सीधा गायब भी हो जाता है, मतलब बच्चा देखने को नहीं मिलता 1-2 एपिसोड। फिर वापस से जो बच्चों वाली चीजें दिखाना था फिर उस बच्चे को लेके आ जाते सामने, तो वो चीज मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बच्चे के किरदार को और थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम देते, मतलब और कुछ चीजें डालते ना उसकी तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि वो एक कैरेक्टर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था। जब भी बच्चा स्क्रीन पे आ रहा था ना वो कुछ अलग ही एहसास दिला रही थी उस टाइम पे, उस मोमेंट में। खैर, इसकी एक और नेगेटिविटी लगी, वो था इसका जो विलेन है डॉज, वो जो लेडी है, उसकी यहाँ पर ओरिजिन देखने को नहीं मिली है। मतलब इसके बारे में अगर और भी कुछ बताता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में ज्यादा कुछ क्या, मतलब ना के बराबर ही बताया। शायद उसके बारे में हमें सीजन 2 में जानने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से ये एक वॉचेबल शो है, आप ये शो को जरूर देखें। अगर हाँ, अगर आप ऐसा माइंडसेट बना रहे हो कि ये बच्चे वाला शो है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कुछ डार्क फैंटेसी से रिलेटेड शोज आपको पसंद है, कुछ जादुई शो देखना पसंद है तो आपको ये शो डेफिनेटली पसंद आएगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये शो आप जरूर देखें। तो बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं हूँ राशि शेख और आप दुआ में याद रखना। बाय।